हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो दे विच मैं क्लास 12th दे लई विशा जिहड़े कि स्वागत जिंदगी वेलकम लाइफ दा सैंपल पेपर लैके आई हां। तो इस तों अलावा मैं तुहानूं पहलां स्टूडेंट्स ये दस दां कि जो तुसीं कल सिलेबस कह रहे सी वो क्लीयर नहीं है, उहनूं थोड़ा दुबारा दस दी हां मैं वी किवें दा एग्जाम दा थोड़ा पैटर्न रहना। हाँ जी देखो, इस दे विच सब तों पहलां तां स्टूडेंट्स तुहानूं की आणगे दस दणगे एम सी क्यूज, बहु विकल्प प्रश्न मीनस एम सी क्यूज आने, तो पांच फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पांच सही मिलान ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं यदि थान पर, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स जहाँ पर मिलान चिन्ह ए मतलब कि ए पोर्शन आना, हरेक प्रश्न का एक अंक होगा, यह टोटल तुम ए वाला पोर्शन है जोड़े कि 20 मार्क्स आना, जिद एम सी क्यूज फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स मैचिंग हो सकती है, ठीक है, ये हो सकते हैं ये 20 मार्क्स का। दैन उस तो बाद जोड़ा नैक्सट क्वेश्चन आने, चार क्वेश्चन आने, तुसी कोई दो करने ने, उन्होंने होने स्थिति ज समस्या समाधान। सपोज जिमें कह दें भी तुम रास्ते कोई जिड़े कि कोई जख्मी व्यक्ति मिले तो तुम वो किमें मदद करोगे, ठीक है, जिम्मे मुढ़ली सहायता किमें दोगे, एवं कोई मतलब कि प्रॉब्लम सम अगर तू जिहड़े कि किस दोस्त की मदद करनी है तो तुम किमें करोगे, वो मतलब कि एवें क्वेश्चन होने, ठीक है, वो कोई तुम दो करने ने, कुछ भी आम क्वेश्चन होने, ठीक है। दैन उस तो बाद किरिया आधारित प्रश्न होने, ये जिहड़े कि भी चार होने तुम दो करने ने, फिर जिहड़े पैरे दे विचों आंसर लभने होने वो तुम्हें पांच प्रश्न आने, हरेक प्रश्न के दो मार्क्स होने, ये सिर्फ थोड़ा कंटेंट। हुण आपां सैंपल पेपर करते हैं जी। सैंपल पेपर करने तो पहला एक जो रात जिहड़ी कि वीडियो अपलोड की गई सी जिस दे विच टोटली एम सी क्यूज ऑल चैप्टर्स दे फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स मैचिंग, ठीक है, सारा कुछ है, तो क्वेश्चनस भी ने उस दे विच भी समस्या समाधान वाले किहड़े क्वेश्चनस ने एंड च ने मतलब कि वीडियो के एंड दे विच जाके ने, ठीक है, तो पहले दे विच आंसर लभणे वो वीडियो जरूर देखो, उहदा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दित्ता जाऊगा, तुसीं उहनूं जरूर वॉच करना। तो उहदे विच इह 12 नंबर का क्वेश्चन सी कि दीपी की फीस किसने दिती, हुण ते उत्थे मैं आंसर लगाया सी अध्यापक ने, मैं लगाया सी बिकॉज इस पीडीएफ दे विच इसका आंसर है जिहड़े कि 12 का आंसर तुसीं देख सकते हो, ईडी दिता होया। बट जदों उस तो बाद मैं चैप्टर रीड किया, चैप्टर रीड करन तो बाद जिहड़े कि मैनूं पता लगा कि उसका कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया सी कि उसका आंसर है जिहड़े कि ऐड़ा होगा विद्यार्थियों ने, तो बिल्कुल सही आ, इसका आंसर है जिहड़े कि विद्यार्थियों ने। हाँ, पहला जिहड़े कि दीपी की फीस जो उसने कहा कि वह नहीं लैके आ सकी, तो इंचार्ज जिहड़े कि अध्यापक साहिबान ने कहा कि वह भरणगे, बट उस तो बाद जिहड़े कि तुसीं अगे स्टोरी पढ़ो, फिर उस तो बाद जिहड़े कि कुछ जिहड़े कि स्टूडेंट्स ने मतलब कि दूजे बच्चों ने फीस फिल की सी, जिवें दीपी की फीस जिहड़ी कि डिपोजिट करवाई सी हरमन ने, दीपी की फीस है जिहड़ी कि डिपोजिट करवाई सी हरमन ने, तो इस तों अलावा जिहड़े कि राम प्रसाद सी वो भी फीस नहीं फिल कर सकता सी, उसकी फीस है जिहड़ी कि डिपोजिट करवाई सी कोमल ने, ठीक है। हाँ जी, हुण आपां सैंपल पेपर करते हैं भी एवें दा जिहड़े कि तुहानू एग्जाम आना, मतलब कि क्वेश्चन ईजी ही होणगे, ये सैंपल पेपर प्री बोर्ड टाइम वाले का, ठीक है, बट इस तो जजमेंट ये हो सकती है तुहानू मतलब कि पता लग जाएगा कि किवें दा एग्जाम आना, जिवें सहनशीलता किस नाल जीवन की एक भावना है, तो यह किस नाल जीवन की भावना है, सहज नाल सबर नाल, तो इसका राइट आंसर आऊगा ईड़ी, ऊड़ा ते ईड़ी। उस तो अगर दयालु बिरती वाले इंसान कोल की नहीं हुंदा, दयालु बिरती वाले इंसान कोल जिहड़े कि नहीं हुंदा, ये की नहीं होंगे ये कोल दया भावना, दयालु विरती वाले इंसान कोल की नहीं हुंदा, तां ये दोनों चीज़ें तो होंदिया ने, उसके कोल की नहीं हुंदा, बदला लैन की भावना नहीं हुंदी, जिहड़ा दयालु विरती वाला मालक है व्यक्ति आ उहदे कोल बदला लैन की भावना नहीं हुंदी, दया भावना हुंदी उहदे कोल माफ़ करन की भावना भी हुंदी है, बट इत्थे पुछा हुआ नहीं हुंदी, तां राइट आंसर की आना सी ससा, बदला लैन की भावना। स्टूडेंट्स तुसी ओ वीडियो जरूर देखो जिस दे विच ऑल चैप्टर्स दे एम सी क्यूज़ ने, क्योंकि एग्जाम तुहाडा जिहड़ा कि उस दे विचों ही आना, उहदे विच सारे चैप्टर्स दे सारा कुछ करवाया होया, तुसी उहनूं जरूर वॉच कर लेना, एक ही वीडियो दे विच ऑल है, उहदा लिंक दित्ता जाऊगा, तुसी देख लेना। हाँ जी, अगे आ बच्चों लिए सब तो कीमती रिश्ता किहड़ा हुंदा, तां बच्चे लिए सब तो कीमती रिश्ता हुंदा माँ बाप का। अगे नैक्सट, घर तो बाद वो किहड़ा स्थान है जिथे बचपन का बहुत समा गुजरता है, तो गुजरता है स्कूल दे विच, स्कूल। अगे किसी मनुख के व्यक्तित्व का समुच की है, तो की है उसकी शख्सियत, उसकी परसनैलिटी।
नैक्सट शख्सियत विकास विच की शामिल नहीं हुंदा, नहीं हुंदा पुछा। शरीरिक विकास भी हुंदा, उहदे विच मानसिक विकास भी हुंदा, बौद्धिक विकास भी हुंदा, कि नहीं हुंदा भूगोलिक विकास, नहीं पुछा तो इत्थे आंसर भूगोलिक विकास। अपने आप की सच्ची तो सही परख किस नाल हो सकती है, किस नाल हो सकती है, वह हो सकती है स्वै जागरूकता नाल, स्वै जागरूकता नाल। विद्यार्थी अपनी जमातों विच विचरदे किस तरह का प्रभाव कबूलते हैं, तो किस तरह का कबूलते हैं, पॉजिटिव भी हुंदा नैगेटिव भी हुंदा, दोनों तरह का कबूलते हैं। अगे है संगीत नूं जन्म कौन दिंदा है, तो संगीत नूं जन्म इकला हारमोनीयम, इकली गिटार, जां इकला सितार, जां सारे ही अपनी सहयोग नाल, तो इहदा आंसर आऊगा सारे आपसी सहयोग नाल। नैक्सट है मनिंदर अपने घरदिआं नूं की लैण लई कहिंदा सी, तो की कहिंदा सी, बुलट मोटरसाइकिल लैण लई कहिंदा सी। अगे सही गलत, मनजीत दा अपने साथी जिहड़े सही गलत ने स्टूडेंट्स, एम सी क्यूज़ चो भी बन के आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स चो भी बन के आ सकते हैं। मनजीत दा अपने साथी विद्यार्थी वालों छोटू कहन ते गुस्सा ना करना ठीक सी, सही जा गलत, तो बिल्कुल सही सी, क्योंकि जो सहनशील वाला हुंदा वो जिहड़े कि मतलब कि गुस्सा नहीं करता। नैक्सट विद्यार्थी का भविख सवारण विच स्कूल का कोई योगदान नहीं हुंदा, तो यह दसना कि सही है या गलत है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्कूल का योगदान बहुत हुंदा, तो इतने आप गलत से मार्क करांगे। इन्होंने पूछा नहीं हुंदा, नहीं हुंदा कह रखे, यह गलत है, क्यों, बिकॉज स्कूल का जिहड़े कि सब तो वध विद्यार्थी का भविख सवारण दे विच योगदान हुंदा। नैक्सट है शख्सियत किसी भी मनुख के व्यक्तित्व का समुच हुंदी है, सही या गलत, तो बिल्कुल सही है। नैक्सट है स्वै परख नाल तुहाडियां कमजोरियां का पता नहीं लगता, यह सही है या गलत आ, तो यह गलत है बिकॉज लगता। इन्हां तों बाद स्टूडेंट्स मैं तुहानू दुबारा तो जिहड़े कि क्वेश्चनस उह शो कर दूँ, तुसीं रीड कर लेना, वैसे तो वह वीडियो च सारा कुछ देख लेना तुसीं, जिहड़े समस्या वाले प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चनस ने। आपसी सहयोग की भावना हमेशा सार्थक प्रभाव दिंदी है, सही या गलत, तो बिल्कुल सही है, हमेशा पॉजिटिव प्रभाव आउंदा। अगे खालिस्तान समाज विच विचरण विहार तो ही डैश की शख्सियत प्रगट हुंदी है, इत्थे आना व्यक्ति सानू दूजे की मदद करन विच डैश आउंदा है, मज़ा। फिलिंग द ब्लैंक्स भी जिवें तुहानू उस दिन भी दस्सिया सी कि बुक वर्क जरूर रीड करो, जिहड़ा कि अपना कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के भी जिहड़े ट्रू फॉल्स बन के आए थे एम सी क्यूज के दो बन के आए हुए थे, तो मतलब कि टोटली तुसी बुक वर्क जिहड़ा भी हुंदा वो सारा लर्न करीदा हुंदा, तो ये भी जिहड़े कि ए वाला जिहड़ा है फिलिंग द ब्लैंक्स ये बनया होया मैचिंग चो। जशनप्रीत विच डैश की घाट सी, तो ये आना सी आत्म चिंतन डैश। अगे सानू हमेशा किसी का भी डैश प्रभाव कबूलना चाहिए है, किसी का भी कबूल लेना चाहिए अपन, वह की होंगे पॉजिटिव है सकारात्मक, हाँ पक्षी सकारात्मक। आपसी सहयोग की भावना नाल सारे काम डैश हो जाते हैं सौखे। हाँ जी यही सी फिलिंग द ब्लैंक्स, इतों तक मतलब कि एवें तो 20 मार्क्स का आना जिद 10 एम सी क्यूज़ हो 10 5 जे कि फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ड्रू फॉल्स हो सकते हैं, तो मैचिंग हो सकती है, तो 5 फिर तो अगे जे कि मतलब कि इन तिना चाहे ड्रू फॉल्स हो चाहे मैचिंग हो चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स हो 20 मार्क्स का तुम्हें एवं एग्जाम आना। दैन पैरे के आंसर फाइंड करने हो जिमें स्वै जागरूकता बारे ही है, स्वै जागरूकता अपने आप की कहोजी परख है, तो कहोजी है सच्ची तो सही, तो सच्ची परख सच्ची तो सही। नैक्सट है स्वै जागरूकता किस किस्म के सवाल का जवाब नहीं दिंदी, नहीं दिंदी इतने पूछा हुआ भी नहीं दिंदी, पहला आप देखते उपरो किहड़े किहड़े दा दिंदी है, निर्धारित करते कि तुसी असल विच कौन हो, ठीक है, तुसी की करते हो, क्यों करते हो, किवें करते हो, इसका दूजे समाज से की प्रभाव पैंदा है,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈ ਪਰਖ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਸਤਾ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ। ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ, ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਧਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਿਆ ਆਧਾਰਿਤ ਐਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ MCQs ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕਸ।